वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे स्टोरी राइटिंग सीरीज। इस सीरीज में मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट एक कंपोजिशन है। तो आप सभी स्टोरी राइटिंग सीरीज में जो भी स्टेप्स है उससे मैं एक एक स्टेप के बारे में एक एक वीडियो बनाया था। हर एक इसमें मैंने वर्कशीट्स ऐड किया था। अगर आप ये वीडियो पहली बार देखते हो, आप जो भी इस सीरीज में पहले वीडियोस है वो सभी देखने के बाद इसे इस स्टेप को फॉलो कीजिए, ताकि आप बच्चे को बहुत आसानी से स्टोरी राइटिंग सीक्वेंस सिखा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 वर्कशीट्स बनाई। आप ड्राइंग पे मत जाइए, क्योंकि मैं कम समय पे मुझे ड्राइंग फिनिश करना था तो मैंने फटाफट कर ली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंने क्या क्या वर्कशीट दिया। मैं सिर्फ यहाँ पे ये एक वर्कशीट आपको सॉल्व करके बताऊँगी, तो बाकी आप आपके बच्चे से खुद करवाइए। ठीक है, ये मैं सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए दे रही हूँ। अगर आपके पास और कुछ बुक्स ऐसे है कि आप करवा सकते हो ऐसे, तो करवा दीजिए, या यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैसेज है। तो हम बहुत आसानी से कंपोजिशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम पहला रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर बच्चों को हम गाइडलाइंस भी दिए थे, आंसर्स भी दिए थे, फिर उनको पहचानने के लिए यहाँ पे हम क्लूज भी दे रहे हैं। तो इससे बच्चा आसानी से इस ट्रैप में गिर जाएगा। तो बाद में बाद आप इसको बिना क्लू के दे सकते हो, फिर आप खुद एक दो सेंटेंस बनाने के लिए दीजिए। ऐसा ऐसा आप स्टोरी राइटिंग बच्चों को सिखा सकते हो। और 2-3 स्टेप्स है स्टोरी राइटिंग सीक्वेंस में, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको वर्कशीट्स बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं पहला वर्कशीट। एक वर्कशीट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, नार पॉइंट से इन द स्कूल। सो यहाँ पे क्या आएगा, पिक्चर देखना है और बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। वॉलेट, नार पॉइंट से वॉलेट इन द स्कूल। ओके, नेक्स्ट ये पीछे वाला क्या है, तो ये है देखते सेंटेंस। तो उससे हम फाइंड करेंगे ये क्या हो सकता है। इन द स्कूल डैश शी ब्रिंग्स इट टू द, तो यहाँ वो वॉलेट कहाँ पे फाइंड किया था, कैंटीन। ठीक है, कैंटीन शी ब्रिंग्स इट टू द, कहाँ पे लाई थी, ऑफिस। सो ये है ऑफिस। सो ऑफिस शी सीज द, किसने किसको देखा था, तो प्रिंसिपल। एंड गिव्स द वॉलेट टू हिम एंड द प्रिंसिपल टेल्स नाग दैट शी इज एन हॉनेस्ट गर्ल। सी ऑल्सो सीज ही विल फाइंड द पर्सन हु लॉस्ट द वॉलेट। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो तो बच्चों को बहुत आसानी लगता है, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, जैसा आप इस क्लूज को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो, वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Don't forget, age is just a number. Happy learning!